अभी इस वक्त हम सब आराम से सांस ले पा रहे हैं, तो आर वी थिंकिंग अबाउट ऑक्सीजन? डू यू एवर थिंक अबाउट ऑक्सीजन? जब आपकी हेल्थ अच्छी होती है तो क्या अपनी अच्छी हेल्थ के बारे में सोचते हो? बट अगर कोई बीमारी होती है तो देन वी थिंक हाउ टू सोचते हो. ऑक्सीजन ना मिले तो सोचते हो. पानी अगर मिल रहा है तो पानी के बारे में नहीं सोचोगे, जबकि बिना पानी के आप जिंदा नहीं रह सकते. इतना इंपॉर्टेंट है पानी. आपकी जो ड्रीम्स है, एस्पिरेशंस है, गोल्स है, वो तो सब हवा में है. बट मैं तो बात कर रहा हूँ रियलिटी की. रियलिटी में पानी इंपॉर्टेंट है ना हम सब के लिए. क्या कभी बैठ करके पानी के बारे में सोचते हो? नहीं सोचते. लेकिन अगर पानी ना मिले तो Then we start thinking about तो कितना सोचते हो पानी के बारे में फिर? मान लो आपको 10-12 घंटे से पानी नहीं मिला पीने के लिए, बहुत तेज प्यास लग रही है, तो क्या कोई और थॉट आएगा उस वक्त पानी के अलावा? क्या उस टाइम पे जब ये थॉट चल रहा है कि पानी कहां से आएगा, ओवरथिंकिंग चल रही है. बट वो ओवरथिंकिंग स्कैटर्ड नहीं है हजार जगह. जैसे आप अपने माइंड को ऑब्जर्व करोगे तो आपकी जो थिंकिंग है वो स्कैटर्ड है, वन पॉइंटेड नहीं है. बट उस वक्त क्या होगा कि आपकी थिंकिंग हर तरफ से हट करके एक ही थॉट पर आ जाएगी, दैट इज वॉटर. हाउ टू गेट वॉटर एज फास्ट एज पॉसिबल, एज क्विकली एज पॉसिबल फॉर मी एंड माई फैमिली. जो हमारी फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं लाइफ की, वो जब तक सॉल्व नहीं होगी, और आप मेरे से ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि मेरी ओवरथिंकिंग कैसे चली जाए, तो वो नहीं जा सकती. मतलब अगर आप प्यासे हो और आप ये पूछ रहे हो मेरे से कि मेरे माइंड में पानी से रिलेटेड 24 घंटे थॉट चलते रहते हैं, वो कैसे ना चले, तो ऐसा नहीं हो सकता. अगर आपके पास में पैसा नहीं है और आपको पैसा चाहिए अपने घर का रेंट देने के लिए, तो इट इज एज इंपॉर्टेंट एज वाटर एंड एयर. तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके माइंड में पैसे से रिलेटेड थॉट्स ना आए. और अगर ना आए तो प्रॉब्लम है, आए तो प्रॉब्लम नहीं है. तो थॉट बुरा नहीं है, ओवरथिंकिंग बुरी नहीं है, अगर वो वन पॉइंटेड हो तो, और वो रियल प्रॉब्लम पे हो, किसी इमेजिनरी प्रॉब्लम पे नहीं जिसका कि कोई सोल्यूशन ही नहीं है. इन अदर वर्ड्स, अगर कहीं ऐसी जगह पर आपका माइंड फोकस्ड है जो कि एक इमेजिनेशन है जो बदलती रहती है टाइम के साथ साथ में, तो एक क्लियर कट गोल ही नहीं है आपके पास में. आपने अगर कभी उसको अचीव कर भी लिया तब भी अंदर से खाली के खाली रहोगे. अगर आपकी जो थिंकिंग है वो बेस्ड है उस पर जो कि रियल प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में एट दिस पॉइंट इन टाइम, या रियल प्रॉब्लम्स हैं, दो तीन भी हो सकती है ना प्रॉब्लम्स, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगी, दो तीन ही मिलेंगी ढूंढोगे तो, जो रियल प्रॉब्लम्स हैं, जो इमेजिनरी प्रॉब्लम्स हैं वो तो अनलिमिटेड है. तो अगर रियल प्रॉब्लम्स को आप आइडेंटिफाई कर सको और आप समझ पाओ कि उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालना कितना इंपॉर्टेंट है, और फिर ओवरथिंक करो और उस थिंकिंग के अकॉर्डिंग प्लान करो और उसको अचीव करो, तो इसमें क्या बुराई है? बट अगर आप किसी ऐसी रेस में भाग रहे हो जिसमें जो गोल पोस्ट है वो इमेजिनरी है, वहां पर कुछ अचीव करना चाह रहे हो वो भी इमेजिनरी है, तो आपको कभी भी पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ यू नो एग्जैक्टली हाउ मच मनी आई वॉन्ट इन माई लाइफ, जिसके बाद में मैं कह सकता हूं कि अब मैं फाइनेंशियली फ्री हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है. बट अगर आप कहते हो मुझे अमीर होना है, मैं पूछूंगा कितना पैसा चाहिए, अमीर की आपकी डेफिनेशन क्या है, वो आपके पास में नहीं है, बस मुझे और पैसा चाहिए. तो अब आप एक अमीर भिखारी हो पैसा कमाने के बाद भी, और कितना भी मिल जाए अंदर से आप गरीब के गरीब रहो. आपको 1 करोड़ भी मिल जाएगा तो मुझे और चाहिए, अब मुझे 2 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ चाहिए, भागते रहोगे. तो पहले अपने लिए हमको डिफाइन करना होता है, और वो आपके लिए सिर्फ आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता. बेस्ड अपॉन योर कैपेबिलिटीज, बेस्ड अपॉन योर बैकग्राउंड, बेस्ड अपॉन योर रिसोर्सेज, कि आपके लिए एक अच्छी लाइफ का मतलब क्या. इफ यू आर क्लियर अबाउट दैट एंड इफ यू हैव अ क्लियर कट गोल एंड दैट गोल इज एज इंपॉर्टेंट एज वॉटर फॉर यू इन योर लाइफ, तो थिंकिंग कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है, तो रिजल्ट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और उस थिंकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप वो अचीव कर लेते हो तो आप उससे फ्री हो जाते हो. तो थिंकिंग को आप यूज करते हो थिंकिंग से फ्री होने के लिए. Thinking related to water is required in order to get free from thoughts related to water. प्यास से related जो thoughts हैं उससे कैसे free होगे? पानी से related thoughts जब आपके mind में चलेंगे, और वो भी thoughts one pointed होंगे, solution oriented होंगे, और आपको पानी मिल जाएगा, प्यास बुझ जाएगी, thoughts गए.
प्यास से रिलेटेड कोई थॉट्स नहीं है। बट अगर ये प्यास रियल नहीं है और साइकोलॉजिकल है, अब आप फंस चुके हो। 99.99% जो लोग हैं इस दुनिया में उनका यही हाल है, वो अपनी साइकोलॉजिकल प्यास को मिटाने में लगे हुए हैं। उसका कोई अंत नहीं है। जब उसका अंत नहीं है तो ओवर थिंकिंग का अंत नहीं है।